सो गुड मॉर्निंग। बेसिकली हो रहा है अभी सुबह के 4:30 बजे हुए और मैं हूँ यहाँ पे न्यू दिल्ली एयरपोर्ट पे, T3 पे मैं हूँ और यहाँ से अब हमारी जर्नी स्टार्ट हो रही है गोवा के लिए। तो पहले यहाँ से हम लोग जाएंगे न्यू दिल्ली टू मुंबई, मुंबई में 5 घंटे का लेओवर है और उसके बाद तब फिर जाएंगे वहाँ से गोवा। हमारी फ़्लाइट है सुबह के 6:30 बजे, सो पहले ही हम लोग यहाँ पे आ गए और काफ़ी देर तक वेट कर रहे हैं। वेल सो देखते हैं T3, ये है T3 एयरपोर्ट। चेक इन हमने कर लिया और अब हम जा रहे हैं गेट नंबर 60 हम लोगों को मिला। आइए मैं आपको एक जगह एयरपोर्ट का दिखा दूँ। पच्चीस जनवरी बीत गया लेकिन यहाँ पे स्नो बोल सॉरी 25 जनवरी तो भी आया ही नहीं। 25 दिसंबर बीत गया लेकिन यहाँ पर अभी भी पोलर बेयर रखा हुआ है क्रिसमस के टाइम से। अरे जी ढंग से हल्ला कर रहा है यार, ये जितने भी दुकान है ना इतना महंगा महंगा सामान बिकता है ना, आप इसका इमेजिनेशन नहीं कर सकते। अभी जो आप मेरे पीछे में देख रहे हैं इसी टाइप का इंटरनेशनल वाला भी है, सो इसके दूसरे साइड में आगे जाके इंटरनेशनल के लिए है और चूंकि अभी हम लोग डोमेस्टिक वाले हैं तभी हम लोगों को इसी में आने का मौका मिला है। और इसका सीन देखिए आपको यकीन नहीं होगा क्या खूबसूरत लगता है। अभी मैं आपको इस एयरपोर्ट पे बताऊंगा क्या क्या खासियत है, बड़ा शानदार है। अगर आप लोग कभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जाने का आपको मौका नहीं मिला है T3 से खास करके तो ये आपके लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा। तुमको आने नहीं देंगे ना
अरे तू हटना यार, क्वालिटी तो बढ़ ही गई है, व्यूज भी बढ़ जाएंगे। चौंक गए। ये कोई बागीचा नहीं है, लेकिन इतना हरा भरा दिख रहा है ना, कई बार लग रहा है कि ये प्लास्टिक का बना हुआ, लेकिन प्लास्टिक नहीं है, ये नेचुरल है। तोड़ के तो दिखा नहीं सकता हूँ, नहीं तो मुझे तोड़ देगा एयरपोर्ट अथॉरिटी वाला सब मिलके, इसीलिए बस समझ लेना। एक्चुअली में जो फ्लाइट है हमारी 6:45 से, लेकिन हम लोग एयरपोर्ट पर बहुत पहले आ गए। बहुत पहले इसलिए आए क्योंकि एक तो ठंड का मौसम है, कुहासा बहुत ज़्यादा है, रात हो जाएगा, इसीलिए हमने सोचा पहले ही निकल लेते हैं। सो अभी हम लोग एयरपोर्ट पे बहुत देरी से घूम रहे थे और अब प्लेन और अब हार्डली 1 घंटा रह गया वेटिंग का। सो एक ख़ास चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ जो आपको देखना चाहिए, ये है खास चीज़। यस, यहाँ पर आप आराम से लेट के अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं, और जो हमारी हालत है उस हिसाब से तो ये बहुत ही इला सॉलिड व्यवस्था है भाई, सॉलिड। ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ आपको T3 टर्मिनल पर ही मिलेगा, और ऐसा सिस्टम कहीं है ही नहीं, ऐसा सिस्टम किसी में भी नहीं है, इंटरनेशनल वाले पे ही है। और हम लोग चूँकि T3 में इंटरनेशनल और नेशनल दोनों है, तो T3 में जिसका प्लेन रहता है उसको ये बेनिफिट मिल जाता है। आपने एयरपोर्ट का भी जो सफाई सुथरा और जो चीज़ें देखी होंगी वो आपको पता है कि बहुत ही हाई लेवल का कारण है, दुनिया का नंबर 1 एयरपोर्ट में से एक आता है न्यू दिल्ली का IGI। T3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो निर्माण है, जो कंस्ट्रक्शन है, वो बेसिकली 2010 में कंप्लीट हुआ था। उस टाइम में हमारे देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। सो ये एयरपोर्ट भी कांग्रेस की ही देन है, जैसा कि आपको पता है कि इस देश में सारा कुछ तो बड़ा बड़ा जो भी चीज़ आप देखते हैं वो सारा कांग्रेस ने ही बनवाया था। सो ये भी कांग्रेस के ज़माने का ही है, और हम लोग मज़े ले रहे हैं भाई, किसी भी पार्टी के हो एंजॉय करो।
पहली बार मुंबई में आया हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है।